अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ए लड़की, ए म्यूजिक निकाल, म्यूजिक म्यूजिक निकालो कान से। बोलिए ना। सुन, ई शगुन की हल्दी है, तबीयत से दम लगा के पीसना, समझ गई ना? हाँ। पकड़ो। मेहंदी का गाढ़ा रंग देखकर हम समझ गए हैं कि भोलेनाथ हमसे का कहना चाह रहे हैं। अब बहुत ही जल्द आप हमारे होंगे और हम आपको सब कुछ याद दिला देंगे। बेचारी, जिससे प्यार करती है उसके लिए हल्दी पीसनी पड़ रही है, ऊपर से शंकर की डांट, किसी को भी रोना आ जाए। पारो, पारो। इतनी उदास की जवाब तक नहीं दे रही, यही मौका है पारो की कमजोरी का फायदा उठाने का और नागमणि हासिल करने का। हर बार बचकर निकल जाती हो तुम, पर इस बार नहीं बच पाओगी। पारो, अच्छा आप हैं? हमको लगा कुछ टूटा। अब आ जाए ना उधर से। अब आज तो इधर से आई थी। क्या हुआ? हो जाता है कई बार, गलत फहमी हो जाती। तुम ठीक हो ना? कोई तकलीफ हो तो बता देना मुझे, बात कर सकती हो। हमको? अरे नहीं, हम तो बहुत ही खुश हैं, हमको तो कोई भी तकलीफ नहीं है। हम तो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं ना कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो बहुत खुश होते हैं तो क्लाउड नाइन। हाँ बिल्कुल वही, बादल, नौवे बादल में हैं हम, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। देखिए हमारी मेहंदी का रंग कितना गाढ़ा है ना, हमारी मेहंदी के सामने तो दुल्हन की मेहंदी भी फीकी पड़ गई है भोलेनाथ की कसम। ये उदास नहीं खुश है, यानी कि ताकत कायम है इसलिए बच गई। अब इस रंग की खुशी मना ली हो तो जरा जिसकी शादी है उसके लिए भी हल्दी पीस लो, दुल्हन की। जाकर दुल्हन के हाथ पर चूना मल दो ताकि उसकी मेहंदी का रंग गाढ़ा हो सके। दुल्हन, हमारी बात हो रही है यहाँ? क्या स्टेटस है हल्दी का? अच्छे से पीस रही हो ना? शंकर के नाम की हल्दी है जो मुझ पे लगेगी उसकी होने वाली बीवी को। मेहंदी भले तुम्हारी गहरी हो, पर असली निखार
असली निखार तो मेरे ही चेहरे पे आएगा। और हाँ, जैसा मोह ने कहा, चूना ले आना। चूना किसके तो कोई भी मेहंदी गाड़ी कर ले अपनी, शंकर के प्यार का रंग तो हम पर ही चढ़ाए। जी तो कर रहा है उस मैडम की मेहंदी पढ़ने, उनके मुंह पर मल के रख दे ये चूना। तो देख कर नहीं चल सकती थी, गार्डन में घूम रही हो, जो झूलते झूलते चल रही हो, क्या है? क्या क्या? आंखें डस्टी आ रहे हैं आपकी, आपको बराबर दिख रहा है ना, आप भी तो देख के चल सकते थे। हर चीज का जवाब है ना तुम्हारे पास, वो भी उल्टा। अब हटो सामने से, टाइम मत वेस्ट करो मेरा। हम वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रही हो? हम क्या कर रहे हैं? हम जिधर जिधर जा रहे हैं आप आगे आगे खुद ही फंस रहे हैं हमारे बीच में। अब हटिए, हमको चूना लगाने जाना है। हाँ हाँ, और आता भी क्या है तुम्हें चूना लगाने के अलावा? आपके प्यार में वजन होता तो वो भी नहीं लगाना पड़ता। आपकी जो दुल्हनिया है ना, उनकी मेहंदी फीकी पड़ गई। पारो यू पारो और यू के बीच में जो है वो शब्द क्यों कहा गया? वो भी बोल देते। क्या क्या क्या? हमको शर्म आती है, हम नहीं बोलेंगे। पर आज नहीं तो कल आपकी जुबान से उस शब्द हम जरूर सुनेंगे। कभी नहीं।